गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु होता क्या है। देखिए, जो परमाणु होता है वो बहुत छोटा जो है एक कण होता है। परमाणु से मिलकर ही बहुत सारे द्रव्य का निर्माण होता है। जो द्रव्य होता है वो परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। अर्थात द्रव्य का वह छोटे से छोटा कण, मतलब बहुत छोटा कण होता है, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु की जो खोज थी वो डाल्टन को कहा जाता है कि डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। अच्छा, परमाणु का जिक्र जो है हमारे एक ऋषि कणाद थे, उन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन में भी किया था, जबकि असली में उनको उनका खोजकर्ता नहीं कहा जाता है, डाल्टन को उसका खोजकर्ता कहा जाता है, लेकिन कणाद ने भी इसका जिक्र किया था, अपने एक दर्शन लिखा था उन्होंने वैशेषिक, उसमें इस बात का जिक्र किया था परमाणु का। लेकिन अब डाल्टन को वास्तविक रूप से इसका खोजकर्ता कहा जाता है। तो डाल्टन ने देखिए क्या बताया, डाल्टन ने यह बताया कि प्रत्येक जो द्रव्य होता है, जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो भी पदार्थ होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिसको कहते हैं परमाणु। और डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है, उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उनके कहने का तात्पर्य था कि परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक बात और बताई कि परमाणु को विभाजित भी नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। मतलब ना तो हम परमाणु बना सकते हैं, ना तो हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं, ना तो हम परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। और जो परमाणु होते हैं, कोई भी जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तत्व जब आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, डाल्टन ने यह बताया कि उसमें भी परमाणु ही भाग लेता है। उसमें उन्होंने बताया कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें परमाणु ही पार्टिसिपेट करता है, मतलब बाकी कोई एलिमेंट नहीं पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ परमाणु ही पार्टिसिपेट करता है। और किसी एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं, हमने मान लिया कि हाइड्रोजन के अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो सभी आकार में, द्रव्यमान में और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। देखिए, डाल्टन ने बताया था कि किसी भी एक तत्व के अंदर, मतलब किसी भी एक तत्व के अंदर एक परमाणु हो सकता है, दो परमाणु हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, तो किसी भी एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो रासायनिक गुणों में, मतलब एक दूसरे की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल सेम हो जाएगी। उनका जो आकार होगा वो कैसा होगा, आकार भी बिल्कुल सेम होगा, और उनका जो द्रव्यमान है यानी कि उनका जो मास है वो भी एग्जैक्ट सेम हो जाता है। ठीक है, ये बात डाल्टन ने बताई थी। डाल्टन ने यह भी बताया था कि जो दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं जब आपस में मिलते हैं, डाल्टन ने बताया था कि जब दो या दो से अधिक परमाणु जो होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो यौगिक परमाणु की, एक तरीके से यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये नियम जो है डाल्टन ने दिया था, इसको ही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन ने सबसे पहले बताया कि परमाणु जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी द्रव्य जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु ना बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। फिर बताया परमाणु को विभाजित भी नहीं किया जा सकता। फिर बताया इन्होंने कि परमाणु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। फिर बताया इन्होंने किसी भी तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं, किसी भी तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं वे आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं, मतलब एक बिल्कुल एक प्रकार के गुणों को वो प्रदर्शित करेंगे। और दो या दो से अधिक जो परमाणु होते हैं वे जब आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं तो वे आपस में मिलकर यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। जैसे हम मान लें कि दो परमाणु है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाया, H2 बनाया। ठीक है, तो इसको डाल्टन ने कहा ये एक यौगिक परमाणु, डाल्टन ने कहा ये एक यौगिक परमाणु है। अब जो डाल्टन का सिद्धांत था, एक्चुअली में जो डाल्टन का सिद्धांत था उसके ऊपर जब शोध हुए, रिसर्च होने के बाद में ये पता चला कि जो डाल्टन का सिद्धांत है वो सभी मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है।
फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ संशोधन किए गए। अब जब आगे रिसर्चेस होती रही, जब शोध हुए, तो शोध होने के बाद में ये पता चला कि जो डाल्टन ने थ्योरी अपनी दी है उसमें काफी जो है कमियां हैं, और उन कमियों को अब सुधारने के लिए उसमें संशोधन किए गए। अब हम जानेंगे कि उसमें संशोधन क्या किए गए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कौन कौन से पॉइंट्स गलत साबित हुए। डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु होता है वो एक अविभाज्य कण है। उन्होंने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य का मतलब होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो होता है वो एक प्रकार का अविभाज्य कण है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में जब रिसर्चेस हुए, जब खोज हुई, तो पता चला कि जो परमाणु होता है वो किससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किस प्रकार से बना होता है? परमाणु के अंदर एक छोटा सा नाभिक पाया जाता है, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं पाई जाती हैं। ये चारों तरफ कैसी कक्षाएं होती हैं? नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और इन कक्षाओं में कौन गति करता रहता है? इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूवमेंट करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यू गति करते रहते हैं। और जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज लिए रहता है, और प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज लिए रहता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी उसमें कुछ कण पाए जाते हैं जो आपको आगे बताया जाएगा। तो यहां पे जो है, जो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, वो गलत साबित हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जब जे.जे. टॉमसन ने करी, किसने करी? जे.जे. टॉमसन, एक वैज्ञानिक हुए थे भैया जे.जे. जिनको जे टॉमसन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने किसकी खोज करी? इलेक्ट्रॉन की खोज करी। प्रोटॉन की खोज किसने करी? प्रोटॉन की खोज करी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने। अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, इन तीनों वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब खोज कर दी, तब उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनसे ही मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। अर्थात परमाणु किसी भी प्रकार से अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु को अर्थात तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात जो है बताई किसने? जो नई रिसर्चेस हुई तब पता चला। यहां पे डाल्टन का जो ये सिद्धांत था, उसका जो ये इन्होंने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, वो एक प्रकार से गलत साबित हो गया। यहां पे डाल्टन का जो ये नियम था वो यहां पे गलत साबित हो गया। फिर डाल्टन ने यह बताया था कि जो परमाणु होते हैं एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं वो सारे द्रव्यमान में और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। उन्होंने ये बताया था कि परमाणु के जो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु होंगे वो रासायनिक यानी कि रासायनिक गुणों में और द्रव्यमान में समान होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें समस्थानिक की बात करें तो देखिए, सबसे पहले समझ लेंगे समस्थानिक होते क्या हैं। समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होंगे, ठीक है, और परमाणु भार भिन्न भिन्न। तो डाल्टन ने जो बताया था कि एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनके भार भी समान होते हैं, लेकिन यह सिद्धांत इनका जो था वो समस्थानिकों के ऊपर गलत साबित हो गया। अब देखिए समस्थानिकों के ऊपर गलत कैसे साबित हो गया। समस्थानिकों में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा लेकिन परमाणु भार क्या हो जाता है? परमाणु भार अलग अलग हो जाता है, सॉरी
परमाणु क्रमांक जो है एक प्रकार से समान रहेगा और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो जाता है। अब जैसे हम ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन के तीन समस्थानिक मिलते हैं, एक जिसका होता है 16 परमाणु भार, एक ऑक्सीजन का होता है जिसका होता है 17 और एक ऑक्सीजन का होता है जिसका होता है 18। अब तीनों ऑक्सीजन के पार्टिकल्स में अगर आप देखें तो तीनों का भार जो है वो अलग अलग है, एक का 16 है, एक का 17 है, एक का 18 है, और जबकि तीनों परमाणु किसके हैं, तीनों परमाणु ऑक्सीजन के, तीनों परमाणु ऑक्सीजन के होने के बावजूद इनके जो भार हैं वो अलग अलग हैं, अर्थात यहां पर भी डाल्टन का जो नियम था वो फेल हो गया। डाल्टन ने बताया था कि एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनके भार समान होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर भाई परमाणु तो एक ही प्रकार के हैं लेकिन जो भार है वो तो अलग अलग हो गए। अब जब भार इनके अलग अलग हो गए हैं तो इसका मतलब यह है कि डाल्टन क्या हुआ, डाल्टन का सिद्धांत यहां पर भी गड़बड़ साबित हो गया। यहां पर भी अब आप समस्थानिक भी समझ गए होंगे, समस्थानिक क्या होते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उनको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। तो समस्थानिक आगे आपको और एक्सप्लेन करके बताया गया है, बताया जाएगा, अभी हमने इसलिए बता दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप समझ गए होंगे कि डाल्टन का जो सिद्धांत था वो यहां पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फिर डाल्टन ने बताया था, कि एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं वो भार में समान होते हैं और अलग अलग जो तत्व होते हैं वो भार में अलग अलग होते हैं। डाल्टन ने बताया था कि जो अलग अलग तत्व होते हैं वो भार में अलग होते हैं। तो अगर हम संभारिक की बात करें, संभारी देखिए जस्ट उल्टा होता है समस्थानिक का। संभारी में क्या होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु भार एक जैसा। तो यहां पे परमाणु भार वो कैसा होगा, वो समान होगा, परमाणु भार समान होगा और जो परमाणु क्रमांक है, वह भिन्न भिन्न। ठीक, तो परमाणु क्रमांक जो होगा वो कैसा होगा, वो भिन्न भिन्न होगा। अब अगर हम देखें, जैसे अगर आप मान लीजिए कैल्शियम और आर्गन, इन दोनों के अगर हम परमाणु भार देखें तो इसका भी 40 होता है और इसका भी 40 होता है। डाल्टन के हिसाब से ये दोनों अलग अलग परमाणु हैं तो इनके जो भार है वो भी अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो कैल्शियम का भी 40 है, आर्गन का भी 40 है। इसका तात्पर्य यह है कि डाल्टन ने कहा था कि अलग अलग परमाणु अगर होते हैं तो उनके भार भी अलग अलग होते हैं, परंतु यहां पर भी तो डाल्टन गलत साबित हो गए, क्योंकि परमाणु तो अलग अलग हैं लेकिन भार तो एक है। समझ में आई बात, कि परमाणु तो अलग अलग हैं लेकिन भार एक है, अर्थात यहां पर भी डाल्टन का जो नियम था वो फेल हो गया। डाल्टन ने कहा था कि समान अगर परमाणु होंगे तो द्रव्यमान बिल्कुल समान हो जाएगा, और वहां पर भी हमने देखा कि परमाणु समान थे लेकिन द्रव्यमान जो था वो अलग अलग हो गया। और डाल्टन ने यह कहा था कि अगर विभिन्न विभिन्न परमाणु होते हैं, मतलब अलग अलग अगर परमाणु होते हैं, अगर अलग अलग परमाणु होते हैं तो उनके जो भार होते हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन यहां पर यह वाला नियम भी फेल हो गया। ये वाला नियम इसलिए फेल हो गया, आप देख रहे हैं कैल्शियम और आर्गन, जो है वो अलग अलग परमाणु है, अलग अलग आइटम है, और अलग अलग आइटम होने के बावजूद भी इनके जो परमाणु भार है, जो एटॉमिक वेट है, वो बिल्कुल इक्वल है, मतलब बिल्कुल सेम पाया जा रहा है। तो इस नियम में भी डाल्टन जो है वो गलत साबित हुए, यहां पर भी डाल्टन को एक तरीके से गलत साबित कर दिया गया। फिर डाल्टन ने यह बताया था कि परमाणु जो होता है वो एक अविनाशी कण होता है। अविनाशी का मतलब भैया होता है, जो कभी भी नष्ट ना हो, अर्थात जिसका कभी भी विनाश ना हो, जो कभी भी ना टूटे। ठीक है, परंतु जब डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु का विनाशी कण है, उसके बाद में जब परमाणु के विखंडन को देखा गया, परमाणु विखंडन की एक क्रिया होती है, परमाणु विखंडन,
तो देखिए परमाणु विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा परमाणु जो होता है वो दो छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है और बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है। एक जो बड़ा परमाणु होता है, जो बड़ा परमाणु होता है वो दो छोटे छोटे परमाणुओं में टूटता है और छोटे छोटे परमाणुओं में टूटने के साथ साथ में एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं परमाणु विखंडन, यानी कि परमाणवीय क्रिया। इसको नाभिकीय क्रिया भी बोलते हैं। नाभिकीय क्रिया किसलिए बोलते हैं? क्योंकि इसमें नाभिक टूटता है, ठीक है, नाभिक सीधे टूट जाता है और साथ में एनर्जी निकलती है, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है, रेडियो एक्टिव रेज भी निकलती है। तो अब एक प्रकार से डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु होता है वो तो अविनाशी होता है, लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो एक बड़ा जो आइटम है वो दो छोटे छोटे आइटम्स में टूट गया, प्लस बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हो रही है, प्लस अल्फा बीटा गामा रेज भी निकल रही है, ठीक है। तो एक परमाणु से इतना सारा टूट के मिल रहा है मटेरियल, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होता है वो अविनाशी होता है, डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु होता है वो अविनाशी होता है, यहां पर भी उनका नियम जो था वो गलत साबित हो गया कि परमाणु अविनाशी नहीं होता, परमाणु को तोड़ा जा सकता है, परमाणु को तोड़ा जा सकता है, परमाणु के अंदर जो नाभिक स्थित होता है उसको भी तोड़ा जा सकता है। यह भी सिद्ध किया गया कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसको तक तोड़ा जा सकता है, इसलिए डाल्टन ने जो ये थ्योरी दी थी कि परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु अविनाशी है, वो गलत साबित हो गया। तो यहां पर भी डाल्टन का सिद्धांत थोड़ा सा गलत साबित हुआ, अर्थात डाल्टन की जो धीरे धीरे पॉइंट्स थे वो लगभग गलत ही साबित हुए। रिसर्चर्स होने के बाद में पता चला कि डाल्टन जो है एक प्रकार से गलत थे, उनकी जो थ्योरी थी वो संशोधित की गई थी, वो थ्योरी संशोधित करके फिर लाई गई, उसको सही माना गया। फिर अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो डाल्टन ने नियम दिए थे वो क्या थे। उन्होंने बताया था अविनाशी होता है, अविनाशी भी नहीं होता। उन्होंने बताया था एक प्रकार के परमाणु जो होते हैं द्रव्यमान समान होता है, वो भी गलत हो गया। उन्होंने बताया था कि जो विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं उनका भार अलग अलग होता है, वो भी भैया गलत हो गया, ठीक है। उन्होंने बताया था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, तो हमको पता चला परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो अब आप विध्वस्त समझ गए होंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, यानी कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, और फिर डाल्टन के नियमों में क्या संशोधन किए गए, डाल्टन के नियमों में क्या संशोधन किए गए। डाल्टन ने यह बताया था कि जब कोई दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। डाल्टन ने यह बताया था कि जब कोई दो परमाणु मिलते हैं तो यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं, लेकिन एवोगाद्रो ने बताया कि जब कोई दो परमाणु मिलेंगे, जब कोई दो परमाणु मिलेंगे तो अणु का निर्माण करेंगे। अणु की जो अवधारणा थी वो कौन लेकर आया? एवोगाद्रो लेकर आया। एक एवोगाद्रो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने अणु का नाम बताया, जबकि डाल्टन तो ये बता रहे थे कि ये एक यौगिक परमाणु है, ठीक है। उन्होंने बताया कि जब दो परमाणुओं को आपस में आप मिलाएंगे या दो परमाणु आपस में स्वयं मिल जाते हैं, तो जब दोनों परमाणु आपस में स्वयं मिलते हैं तो निर्माण किसका करते हैं? अणु का। अर्थात अणु जो होता है वह एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आप परमाणु भी समझ गए होंगे। परमाणु क्या होता है? यह तत्व का सबसे छोटा कण है, यह द्रव्य का सबसे छोटा कण है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और अणु क्या होता है? अणु जो होता है वह एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं? कि जो परमाणु होता है वह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जबकि जो अणु होता है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो यहां पे आप परमाणु और अणु को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, परमाणु और अणु को अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। ये डाल्टन का नियम हो गया। अब हम समझेंगे कि परमाणु एक्चुअली में परमाणु होता क्या है। तो देखिए, परमाणु जो होता है द्रव्य का सबसे छोटा से छोटा कण है। द्रव्य का सबसे छोटा कण है, मतलब इससे छोटा तो कुछ है ही नहीं। परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण है जिसके अंदर एक नाभिक पाया जाता है, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं पाई जाती हैं, ठीक है।
नाभिक पाया जाता है। नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है और बाकी इलेक्ट्रॉन गति किया करते हैं। ये आपका परमाणु होता है। परमाणु में चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, जिन कक्षाओं में कौन गति करता रहता है भैया? चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ करता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ करता है, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू गति करते रहते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहां रहते हैं? वो रहते हैं नाभिक में, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटिन्यू बने रहते हैं, ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में गति किया करते हैं। तो परमाणु की परिभाषा को हम फिर से समझेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा कि परमाणु तत्व का या द्रव्य का, परमाणु द्रव्य का वह छोटा से छोटा कण है, परमाणु द्रव्य का वह छोटा से छोटा कण है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु द्रव्य का वह छोटा से छोटा कण है जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करेगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। बात को ध्यान से सुनिएगा। परमाणु द्रव्य का वह छोटे से छोटा कण है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब अगर हम बात करें अणु की, तो अणु क्या होता है? अगर हम बात करें अणु की, जो एवोगाड्रो ने बताया था, तो अणु के हिसाब से एवोगाड्रो ने अणु की क्या परिभाषा दी कि जो अणु होता है वह एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है, एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है तथा जो अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु नहीं रह सकता। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, अणु नहीं करेगा। समझ में आई बात? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन अणु पार्टिसिपेट नहीं करेगा। परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, अणु जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है? अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अंतर भी लिखने को आते हैं तब भी आप परमाणु और अणु में आराम से अंतर लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया, फिर संशोधन बताया, फिर बताया परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। तो आप अगर अच्छे से समझ गए हैं तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। जो भी बात आपको ना समझ में आई हो आप कमेंट करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे ये टॉपिक जो है सब तक पहुँच सके। धन्यवाद।